हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2018 एडवांस मैथ का सीरीज चल रहा था, जिसमें कि पार्ट 5 तक मैंने वीडियो बता दिया है। ये आज पार्ट 6 है। तो इसके पहले अगर आपने पांचों पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि एडवांस मैथ एसएससी सीजीएल में जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको मैं चला रहा हूँ। उसका सारा क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ किस तरह उसको ट्रिकी वे में बनाना है। अगर सारा क्वेश्चंस अगर आप एसएससी सीजीएल एडवांस मैथ का देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस अगर एसएससी सीजीएल में आएगा तो उसको आप डेफिनेटली करके आइएगा, खासकर एडवांस मैथ में, क्योंकि एडवांस मैथ ज़्यादा स्टूडेंट का कमज़ोर होता है, तो उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुका है। देखिए, एक क्वेश्चंस है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शंस है 19/2, सेकंड है 17/2, थर्ड है 18/3 और फोर्थ है 15/2। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दिया है। 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 और यहाँ है x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। आप समझ लीजिए इसको किस तरह बनाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ चुका है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं और इधर भी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ x स्क्वायर। मतलब अगर हम यहाँ से 2 हटा दें फिर स्क्वायर करने पे यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो 2 हम कैसे हटाएंगे, तो डायरेक्टली देखिए, अगर हम यहाँ से 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या 2 कट जाएगा। तो देखिए वही कर रहे हैं, 2x और 1/2 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ क्योंकि दोनों नीचे है, ठीक है, ये भी 2 नीचे, ये भी, और इक्वल टू 6, ठीक है। और ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको इधर भी करना होगा क्योंकि इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, ठीक है, इधर भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या x, और यहाँ क्या बचा 2 जा 4x, और इधर क्या बचा 2 से ये कैंसिल हो गया 3, यानी कि इधर बचा 3। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और माइनस 2 ए बी, ए ये हो गया और बी क्या हो गया 1/4x, ठीक है, और इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ देखिए, ये x से x कैंसिल हो गया और 2 से यहाँ कैंसिल हो गया 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, x देखिए अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखता नहीं होगा, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस 1/2 सिर्फ बचा है, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया 4, तो 1/2 सिर्फ बचा, तो माइनस 1/2 इक्वल टू क्या है 9, ठीक है। अब इसी का वैल्यू पूछा है, इतना का, तो इतना हम इधर रहने देंगे, बाकी माइनस 1/2 को उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस 1/2 उधर जाएगा तो प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 19/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। तो इस तरह से इसको हमको बनाना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एडवांस मैथ किसी भी स्टूडेंट का अगर कमज़ोर है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल में उसको मैं सारा बता दूंगा। इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चंस आए, आप जानते हैं कि एसएससी क्या करता है, क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो जितना भी एडवांस मैथ का क्वेश्चंस आ चुका है उसको अगर आप बना लेते हैं ये वीडियो देख के, तो कोई भी क्वेश्चंस अगर आएगा एग्जाम में उसको आप इजी वे में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चंस है। देखिए
एक क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि स्पेस बड़ा हो जाए। देखिए सेकेंड लेते हैं, 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, 34/5, 39/5, 42/5 और 52/5 ये दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहाँ देखिए, फिर उसी तरह अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 25a स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है 9a स्क्वायर। मतलब अगर हम यहाँ पे किसी तरह 3 ला दें, यहाँ 5 है लेकिन हमको लाना है 3, क्योंकि तब स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो वही हमको करना है, कैसे लाएंगे थोड़ा दिमाग लगाइए। देखें 3 लाने के लिए, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2। देखिए 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कट जाएगा, उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ख़त्म 5, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 आ गया। ठीक है, मतलब ये हमको चीज़ मल्टीप्लाई करना है। अब ये इधर किए हैं तो इधर भी हमको करना होगा 3/5, यहाँ भी करना होगा। ठीक है, अब देखिए अब वर्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/5 इंटू 5a ये हो गया प्लस 3/5, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 3/5 इंटू 1/3a। ठीक है, इक्वल टू ये 5/5 कैंसिल, बचा क्या 3। अब यहाँ देखिए 3/3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5/5 कैंसिल, बचा क्या है 3a और प्लस यहाँ क्या बचा 1/5a इक्वल टू 3। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/25a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ए ये हो गया और बी हो गया ये 1/5a इक्वल टू क्या है 3 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ से ए ए कैंसिल हो जाएगा तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3/6/5 हो जाएगा इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे। ठीक है, बाकी 6/5 को उधर भेज देंगे तो प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, हम इसको मिटा के क्या करते हैं यहाँ -6/5 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, ये 5 LCM होगा तो 45-6 यानी कितना आ जाएगा 39/5। ठीक है, इतना आएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस तरह इसको हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे क्या होगा मनोबल मेरा बढ़ेगा, इससे मैं और अधिक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम डीपली समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। देखिए थर्ड बनाऊंगा क्वेश्चंस क्या है, थर्ड नंबर देखिए, एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 2+√3 ये दिया हुआ है और y इक्वल टू दिया है -2√3 ये दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या है, तो ऑप्शंस हम चेक करते हैं। ऑप्शंस है 7/38, एक है 7/40, एक है 7/90, एक है 7/26।
तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड, इसका भी हम लिख देते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस होता है टू एक्स वाई। उसी तरह एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक्स से टू प्लस रूट थ्री और वाई है माइनस टू रूट थ्री, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए ये टू टू माइनस रूट थ्री था, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन था टू माइनस रूट थ्री। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, फिर ये लिखेंगे वाई कितना है टू माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री कैंसिल, बचा क्या टू प्लस टू फोर, ठीक है। अब x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हो गया। अब एक्स वाई हमको निकालना है, एक्स वाई कितना होगा वो देख लेते हैं, तो टू प्लस रूट थ्री एक्स है और y कितना है टू माइनस रूट थ्री, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, कितना जगह फोर माइनस थ्री, यानी कि ये वन आ जाएगा। बस अब इस पर हम पुट कर देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो x प्लस वाई कितना निकला फोर, यानी कि फोर का स्क्वायर माइनस टू, एक्स वाई कितना है वन, वन लिख देंगे। फिर उसी तरह x प्लस वाई का होल क्यू कितना है फोर का क्यू माइनस थ्री है, उसके बाद एक्स वाई कितना निकला वन, उसके बाद x प्लस वाई कितना निकला फोर, तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा माइनस टू, और नीचे आ जाएगा फोर का क्यू कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो इस ये कितना आ जाएगा, देखिए 16 में अगर 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और 64 में 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 52, बस इसको कट कर देंगे 2 से, तो ये 7 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 16, यानी कि 7/26 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सारा, जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उसी को मैं ले रहा हूँ जो कि एसएससी सीजीएल में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो एक देख रहे हैं समरूप त्रिभुज पे आया हुआ है क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं उसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 9:16 है, ये है, ठीक है। दो तो किसका क्या पूछ रहा है कि भुजाओं, क्या पूछा है भुजाओं, मतलब समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा ये पूछा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में बहुत सारा देखा होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है 3:5, 3:4, 4:5 और 4:3, ये ऑप्शन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए अच्छा समरूप त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है रूट थ्री बाय फोर इंटू भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये समरूप त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दो अलग अलग समरूप त्रिभुज है, समझिए
मान लेते हैं एक ये समरूप त्रिभुज है, मैं समझा देता हूँ ताकि इससे कभी भी क्वेश्चन आए आप उसको बना सकते हैं। और ये दूसरा समरूप त्रिभुज है, मान लेते इसकी समरूप त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है जानते हैं। मान लेते इसका जो साइड है वो है ए, ठीक है ए वन मान लेते हैं, और इसका साइड है ए टू, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, रूट थ्री बाय फोर इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब ए वन का स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, रूट थ्री बाय फोर इंटू ए टू का स्क्वायर, यही होगा। अब दोनों का अनुपात है, दोनों का अनुपात क्या होगा, रूट थ्री बाय फोर ए वन का स्क्वायर बाय रूट थ्री बाय फोर ए टू का स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये एरिया कितना था, दोनों का एरिया 9:16 ये दिया हुआ था, तो यहाँ से ये तो कट गया क्योंकि इक्वल है। तो ए वन बाय ए टू दोनों में स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे 9:16, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए वन बाय ए टू क्या होगा, वही पूछा था, भुजाओं यही है भुजा ए वन बाय ए टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका आंसर क्या होगा, 3/4 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए समबाहु त्रिभुज में जब आए तो क्या कीजिए, मैं ये डायरेक्टली मतलब ये आपको पूरा बता दिया, अगर कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आए कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उसका भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा हो, तो क्या कीजिए आप, कोई भी एरिया हो जैसे यहाँ पे क्या था 19:16, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो भी अनुपात हो उसमें रूट अंडर कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 3:4 डायरेक्टली ये निकल जाएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आए, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए लास्ट में क्या हुआ, ये दोनों कट गया, बचा क्या ए वन ए टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर जाके उधर क्या हो गया रूट, और रूट किस पे हुआ 9/16, मतलब उसके क्षेत्रफल पे हुआ। तो डायरेक्टली जब भी आए तो आप क्षेत्रफल पे क्या कीजिए, रूट दे दीजिए, रूट अंडर में कर दीजिए उसको, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगा पार्ट 7, उसमें भी मैं SSC CGL का क्वेश्चंस लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।